ये इसका कलर आप देखें, बड़ा यूनिक सा कलर है। इसकी सीड्स देखें, ये इधर आए हैं, इसको ज़रा थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। वंडरफुल जी, क्या इसकी फिनिशिंग है इस बाइक की, आप देखें कि आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग। इसके लिए एक अलग स्टोरी है। एक्चुअली जब 1950s में पहला रॉयल इनफील्ड इंडिया में आया था, तो पहले इंडियन आर्मी ने ऑर्डर किया था रॉयल इनफील्ड को, सही, ये वॉर पर्पज यूज करने के लिए। तो इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट देने, अभी भी इंडियन आर्मी में जितना मोटरसाइकिल चलता है सब रॉयल इनफील्ड का होता है, सही। तो इंडियन आर्मी को ट्रिब्यूट करने के लिए ये एडिशन क्लासिक 350 में बनाया गया। इसको सिग्नल एडिशन कहते हैं। ये पूरा आर्मी को ट्रिब्यूट करके, अब कलर से भी समझ में आ रहा है आपको कि ये पूरा आर्मी को ट्रिब्यूट करके बहुत खूबसूरत कलर बनाया हुआ है। ये जो टैंक में स्टेंसिल नंबर्स है ना, ये यूनिक रहता है हर गाड़ी में। ये हाँ, अच्छा ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा इसका? नहीं नहीं नहीं, ये जस्ट एक सीरियल नंबर है टैंक में, हर एक गाड़ी का अलग होगा। इसमें कुछ आपको मतलब ऐसा नहीं है कि दो गाड़ी का आपको सेम नंबर मिल जाएगा, यूनिक नंबर। अब ये बाइक है, ये 350cc है, हंटर इस पर लिखा हुआ है। बहुत खूबसूरत बाइक है, मेरा बड़ा दिल कर रहा है कि इस बाइक पे मैं सवार हूँ, थोड़ा सा घूमूं फिरूं। ये भी हंटर 350 है, ये इस बाइक पे बनाए, बड़े ज़बरदस्त कलर कॉन्ट्रास्ट है। फिर मैं हेलमेट्स भी आपको दिखाऊंगा, ये इसका जरा थोड़ा सा बताएं जी। ये जो हमने वो वाला गाड़ी देखा 1.98 लाख, जो ऑन रोड मैंने बोला हंटर 350, उसका ही टॉप वेरियंट है। इसका 2.03 लाख आ जाता है ऑन रोड, बाकी 350cc है। सेम कोई टेक्निकल डिफरेंसेस है नहीं, खाली कलर कम्बिनेशन के लिए थोड़ा प्राइसिंग चेंजिंग है। हेलमेट देखें जी, कितने खूबसूरत हेलमेट है। ये इसी कंपनी के रॉयल एनफील्ड के हेलमेट्स हैं, लेदर कोटेड हेलमेट्स हैं। इतनी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, लेकिन क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है। आप ये देखें जी, बहुत आउटस्टैंडिंग कलर्स और क्या कॉन्ट्रास्ट है। हेलमेट्स आपका ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए अगर कोई अब यूज़ करते हैं, जैसे हिमालयन मैंने बताया, तो उसमें ये हेलमेट्स बहुत काम का आता है, क्योंकि इसमें शेड रहता है जो सनलाइट को ब्लॉक करता है, और इसका ये ब्रीदिंग पोर्शन भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, इसमें ना पूरा फिल्टरिंग किया हुआ रहता है, आपको समझ में आएगा। सही है, बिल्कुल तो डस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ सकती। अगर चला रहे हैं तो आपका डस्ट इंटेक नहीं होगा, पूरा क्लीन ब्रीदिंग होगा। इसके हिमालयन कहते हैं इसको। नॉर्मली क्या है, आप पहाड़ों में चलाइए, सिटी रोड्स में चलाइए, कोई भी टाइप ऑफ टेरेन्स में आप गाड़ी चलाइए, उसके लिए ये सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल है अभी इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में। तो ये हिमालयन 411cc का है। कुछ दिन पहले ही अगस्त में मैंने 350 मेट्योर लिया था, तो और ये एक्चुअली 650 मेट्योर 650 है आपका। इसका वेटिंग पीरियड 6 to 8 months है, बट लकीली मुझे 2-3 महीने के अंदर ही मिल गया, मैंने बुकिंग किया था। वेटिंग के अंदर होता है जी, 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 बुक करना पड़ता है जिस तरह गाड़ी को, नए मॉडल को। जी 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 जी, ये 650 ऐसे ही आता है। दोस्तों, पाकिस्तान का पत्रकार भाई वर्ल्ड कप कवर करने के लिए भारत आया हुआ है, और कलकत्ता के मार्केट में रॉयल इनफील्ड 350 गाड़ी देखी और कहीं ना कहीं रॉयल इनफील्ड का फैन बन गया, और आज भर भर के तारीफ कर रहा है, और पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया को दिखा रहा है भारत की बढ़ती हुई ताकत और भारत की रॉयल इनफील्ड। आप लोग देखो इस वीडियो में। ये फर्स्ट बाइक जी, ये रॉयल इनफील्ड का एक ऑफ रोडिंग ऑन रोडिंग या ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल है। हिमालयन कहते हैं इसको। नॉर्मली क्या है, आप पहाड़ों में चलाइए, सिटी रोड्स में चलाइए, कोई भी टाइप ऑफ टेरेन्स में आप गाड़ी चलाइए, उसके लिए ये सबसे बेस्ट मोटरसाइकिल है अभी इंडियन मोटरसाइकिल मार्केट में। तो ये हिमालयन 411cc का है, ये ऑलमोस्ट 25 bhp का पावर आउटपुट देता है। और आपका इसका ऑन रोड प्राइस कोलकाता में अराउंड 2.7 लाख्स का आ जाता है। 2.7 लाख का ये ऑन रोड आ जाता है। तो प्राइसिंग के हिसाब से मॉडल वाइज जो मशीन है बहुत बेटर है। ये देखें जी, इसकी चाबी तो गाड़ी से भी बड़ी चाबी है, और ये लेते हैं लोग यहाँ पे लोग। जी जी जी, ये थोड़ा कोलकाता साइड में इसका डिमांड थोड़ा कम रहता है, लेकिन आप जैसे ही नॉर्थ बंगाल या फिर नॉर्दर्न साइड इंडिया में भी चले जाइएगा, जहाँ पे हिल्स वगैरह ज़्यादा होता है, उस तरफ बहुत डिमांड होता है। मतलब आप रेंट्स का भी बाइक देखने जाइएगा ना, उसमें आपको ये सबसे ज़्यादा मिलेगा। मैक्सिमम लोड 7 kg। ये आपका जो आप बॉक्स कैरी करते हैं ना, हम लोग जो टॉप बॉक्स कहते हैं, वो आप 7 kg तक लोड कर सकते हैं। साइड में आप 25 kg ईच साइड आप पैनियर बॉक्सेस कैरी कर सकते हैं। ये कितने सीसी बताया आपने? 411 सीसी जी। रॉयल एनफील्ड का भी सबसे हाई डिमांड कॉम्पैक्ट थोड़ा डिजाइनिंग में मोटरसाइकिल ये है, क्योंकि कोई कोई सोचता है ना बिग बाइक्स में थोड़ा चलाना में प्रॉब्लम हो सकता है, सब कॉम्पैक्ट डिजाइन में। 350cc इंजन, ऑलमोस्ट 21 bhp का पावर आउटपुट है, और इसका प्राइसिंग स्टार्ट हो जाता है 1.76 लाख ऑन रोड इसका प्राइसिंग चालू हो जाता है। ये जो मॉडल आप ये जो वेरिएंट देख रहे हैं, इसका ऑन रोड है 1.98 लाख 350cc का। तो ये बहुत ही कम है प्राइसिंग के हिसाब से। नॉर्मली क्या होता है, जो सिटी कम्यूटिंग जो लोग करते हैं, जिन लोगों को डेली बाइक चलाना होता है, थोड़ा कम्यूटर सेगमेंट 100cc 125cc, लेकिन उसी टाइप में आपको 350cc का रॉयल इनफील्ड मिल जा रहा है। ये देखें जी, बिल्कुल इन्होंने पिक्चर्स भी लगाई हुई हैं इस बाइक की।
ये कितना पुराना कंपनी है, ये मेड इन, ये 1901 से अभी भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन में है। तो वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखने जाए, ये ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल ब्रांड है जो अभी भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन में है। 1955 से इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग ये सब चालू है, जबरदस्त जी। तो पहले इधर मैं ये वाला बाइक इधर से आया जी, ये बाइक बहुत ज़बरदस्त शोरूम है। ये देखें जी, ये पार्ट्स खुले हुए हैं, इस बाइक को तैयार किया जाता है इसी तरह, ये ना जी, ये आपके पास लूज आता है और आप इसको तैयार करते हैं फिर। हाँ, अभी तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होता है, सही, तो पूरे असेंबल होके हम लोगों के पास आता है। ठीक तो है, ये डिजाइनिंग के लिए, विंटेज लुक देने के लिए इसको ऐसे रखा गया है। ये 535 सीसी कॉन्टिनेंटल जीटी था, ये अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है मॉडल, लेकिन एक विंटेज लुक के वजह से इसको रखा गया है। और ये बहुत खूबसूरत कलर है, ये बुलेट 350 है। एक्चुअली इंडिया में या फिर वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी, इंडिया में मैक्सिमम रॉयल एनफील्ड को बुलेट के नाम से ही हर कोई पहचानता है कि बुलेट मोटरसाइकिल है। तो ये मॉडल फर्स्ट लॉन्च हुआ था 1932 में, ये सबसे ओल्डेस्ट मोटरसाइकिल मॉडल है जो अभी भी कंटिन्यूस प्रोडक्शन में है। ये थोड़ा फिर से रिबॉर्न हुआ है, थोड़ा नया इंजन, नया चेसी के साथ। ये बुलेट 350 सीसी इंजन है, सेम पावर आउटपुट है 21 bhp का, लेकिन थोड़ा सा इसका डिजाइन चेंज किया जी है। ये थोड़ा वो होता है ना मॉडर्न, मतलब जो एक विंटेज लुक भी है प्लस मॉडर्न एक फीलिंग भी आएगा इसमें। सही है, इधर आए जी, अब इस तरफ आते हैं इस बाइक की तरफ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें जी। अभी ये सबसे ये आपका बिग बाइक है रॉयल एनफील्ड का, 650 सीसी है ये। सही। इसका 47 bhp पावर आउटपुट है, 52 nm का टॉर्क आउटपुट है इसमें, बहुत ही पावरफुल है। ये प्रॉपरली एक क्रूजर है, इसको सुपर मीटियोर कहते हैं, मीटियोर 650 सीसी। इसका पावर बहुत ही बेहतरीन है, 170-180 किलोमीटर पर आवर इजिली आ जाता है इसमें। इसमें स्पीड है 200 जी, टॉप 200 तक जाएगा। इसमें आप मीटर कंसोल में अगर देखेंगे, इसमें एक एडिशनल मीटर कंसोल भी आ जाता है जिसको ट्रिपल नेविगेटर कहते हैं। ये गूगल के साथ बिल्डअप किया हुआ है। अच्छा, तो इसमें क्या होता है, आप मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट कर लीजिए, आपको मैप लगाने के लिए फोन अलग से रखने की जरूरत नहीं, उसमें ही आपका डायरेक्शन शो करेगा। गाड़ियों के अंदर जो लेटेस्ट कार्स है उसमें खुद ही नेविगेशन आ जाता है। उसके साथ साथ इसमें USB चार्जिंग पोर्ट ये सब इनबिल्ड आ जाता है। इसमें स्लीपर क्लच भी है, ये बहुत ही मॉडर्न है, डुअल चैनल ABS के साथ। ये आपका अपसाइड डाउन सस्पेंशन है, LED हेडलैंप है, मतलब बहुत ही मॉडर्न क्रूजर है जी। सस्पेंशन वगैरह जी अपसाइड डाउन है ना, USD है फ्रंट पे, बहुत ही आउटस्टैंडिंग यूनिक चीजें हैं। दोस्तों, भारत में वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है और पाकिस्तान के पत्रकार भाई वर्ल्ड कप 2023 कवर करने के लिए भारत आए हुए हैं और कलकत्ता के एक रॉयल एनफील्ड शोरूम में रॉयल एनफील्ड 350 गाड़ी देखी और आज कहीं ना कहीं वाह और तारीफ कर रहे हैं भारत की रॉयल एनफील्ड 350 की और पूरी दुनिया सहित पाकिस्तान को दिखा रहे हैं भारत की बढ़ती हुई ताकत। आप लोगों को पता है व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग में आज इंडिया कहीं ना कहीं जापान से आगे है और भारत की बढ़ती हुई ताकत आप लोगों को पता है आज पूरी दुनिया देख रही है और रॉयल एनफील्ड की फैन तो आज पूरी दुनिया है। दोस्तों, आप लोगों को पता है आज कहीं ना कहीं इसी वजह से आज भारत दुनिया में आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी होगा। दोस्तों, आज ये देखकर पाकिस्तान के लोग भी कहीं ना कहीं पछता रहे हैं और शर्मिंदा महसूस हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है भारत और पाकिस्तान एक साथ अलग हुए थे लेकिन आज पाकिस्तान जहाँ 1947 में था आज भी पाकिस्तान की वही स्थिति है। लोग 1 किलो आटे के लिए आपस में किसी को भी मार देते हैं, आप लोगों को पता है। ना तो पाकिस्तान में आज एजुकेशन है, ना रोजगार है और ना ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं जिससे अपना बिजनेस कर सके और उल्टा भारत आज आप लोगों को पता है दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने वाला है आने वाले दिनों में। तो दोस्तों, ये देखकर आज कोई भी बाहरी विदेशी भारत में आकर भारत की वाह और तारीफ कर रहा है तो कहीं ना कहीं हर भारतीय को गर्व होता है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है बुलेट के बारे में, आप लोग मुझे कमेंट कर बताना और मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।